श्रीनगर पहुंचा यूरोपियन यूनियन के सांसदों का डेलीगेशन, घाटी में हालात का लेगा जायजा, लोगों से मुलाकात करेंगे 28 सांसद। यूरोपियन यूनियन के सांसदों के दौरे से घिरी मोदी सरकार, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बोली, अनोखा राष्ट्रवाद, कश्मीर में ईयू के सांसदों का सैर सपाटा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी सांसदों के दौरे पर उठाए सवाल, पूछा अपनों पर सितम और गैरों पर ये करम क्यों। महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता की राह हुई मुश्किल, शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा महाराष्ट्र में कोई दुश्मन नहीं जिनके पिता जेल में हो। जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लगाई प्रस्ताव पर मुहर, 18 नवंबर को लेंगे शपथ। सऊदी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा दोनों देश एशिया की महाशक्ति, आतंकवाद के मुद्दे पर लड़ेंगे साथ, आज सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से करेंगे पीएम मुलाकात। हरियाणा कैबिनेट के चयन में बीजेपी हाईकमान संभालेगा मोर्चा, अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले सीएम मनोहर लाल खट्टर, जेजेपी समेत निर्दलीय विधायकों को तवज्जो देने पर चर्चा। मोदी सरकार की घेराबंदी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का महाप्लान, 2 नवंबर को बुलाई पार्टी की बैठक, 5 से 15 नवंबर तक चलने वाले आंदोलन को लेकर होगी चर्चा। प्रदूषण पर हिंदू मुस्लिम करने वाले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज, राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। बदलते मौसम ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, मौसम विभाग ने दी तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश की चेतावनी। अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ तवांग फेस्टिवल, सीएम पेमा खांडू का कार ड्राइविंग का वीडियो हुआ वायरल, किरण रिजिजू ने भी सीएम खांडू के साथ की मस्ती। जम्मू कश्मीर में अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, पुंछ में LOC के पास पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। अमेरिका और चीन में जल्द सुलझ सकता है व्यापारिक विवाद, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले चीन व्यापार समझौते के पहले चरण पर जल्द हो सकते हैं हस्ताक्षर। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स अगले महीने 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे भारत, पीएम मोदी समेत कई मंत्रियों से हो सकती है मुलाकात। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों पर लगा बड़ा आरोप, कैट ने कहा अमेजोन फ्लिपकार्ट GST की कम वसूली कर सरकारी खजाने को पहुंचा रहे हैं नुकसान। इन्फोसिस विसल ब्लोअर केस में क्रिसिल ने कंपनी की रेटिंग को निगरानी श्रेणी में रखा, कुछ कर्मचारियों ने की है इन्फोसिस के वरिष्ठ अधिकारियों की शिकायत। दिल्ली में प्रदूषण के बावजूद भारत बांग्लादेश मैच में कोई बदलाव नहीं, अरुण जेटली स्टेडियम में रविवार को ही खेला जाएगा पहला T20 मैच। प्रथम श्रेणी क्रिकेटरों की बदलेगी किस्मत, BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली का ऐलान, जल्द लेकर आएंगे कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था। भाई दूज पर सारा ने भाई इब्राहिम अली खान संग की मस्ती, दोनों की मस्ती का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, फैंस ने किया भाई बहन की जोड़ी को पसंद। और अक्षय की हाउसफुल 4 को लोगों ने कहा फेक, अक्षय कुमार की फिल्म को क्रिटिक्स से मिले खराब रिव्यू, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ हैशटैग।